हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आज हम 10th क्लास के नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स। सबसे पहले इस इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब समझते हैं। ट्रेट्स मीन करेक्टर्स। करेक्टर्स जैसे अगर हम ह्यूमंस के करेक्टर्स की बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कलर, नोज की शेप, लिप्स की शेप, स्किन कलर, हेयर कलर, ईयर की शेप। तो ये सब क्या है? ये सब है करेक्टर्स। और अब बात करते हैं इनहेरिटेड करेक्टर या ट्रेट्स क्या है। अब ये करेक्टर्स हमें कहाँ से मिले हैं? ऑब्वियस सी बात है, हम सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स के। सिमिलर हैं, आइडेंटिकल नहीं है। सिमिलर और आइडेंटिकल में डिफरेंस है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि ब्लूप्रिंट होता है किसके लिए? बॉडी डिजाइन के लिए। तो हमारा जो बॉडी डिजाइन हमारे पेरेंट जैसा है, या फॉर एग्जांपल आम के पेड़ पर अगर आम लगते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है? वो ब्लूप्रिंट। कि ब्लूप्रिंट जो डीएनए की फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होता है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, जिसकी वजह से जो बॉडी डिजाइन है वो पेरेंट जैसा ही होता है ऑफस्प्रिंग का। तो उसी की वजह से जो करेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। किसकी वजह से? डीएनए की वजह से, क्योंकि ब्लूप्रिंट उसके पास है। ब्लूप्रिंट मींस इंफॉर्मेशन उसके पास है। तो ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम आज जो डिस्कस करेंगे वो इनहेरिटेड ट्रेट्स है। और क्योंकि डीएनए से ये सारी चीजें अटैच है तो इसीलिए ये हमने उसको थोड़ा सा डिस्कस किया है। चलो, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि करेक्टर्स, हम अपने पेरेंट जैसे नजर आते हैं। पेरेंट्स या दादा दादी, नाना नानी, चाचा बुआ, अगर हम इन जैसे नजर आते हैं तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे रीजन है हमारा करेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना। और वो करेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उन करेक्टर को बोला जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स को अब डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल लेकर। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है ईयर लोब्स का। ईयर लोब्स ये जहां जो फीमेल्स जो होती हैं वो जिसको बोर कराती हैं, ये इसको बोलते हैं ईयर लोब। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ईयर। तो मैंने आपके सामने दो चीजें दिखाई हैं, एक ये है और एक ए है और एक बी है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये जो ईयर लोब है ये मैंने इसके साथ अटैच दिखाई है, तो अटैच्ड ईयर लोब हो गई ये। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये बनाई है मैंने फ्री। इसका मतलब क्या हुआ? जिस ऑफस्प्रिंग में ये ईयर लोब फ्री है, तो ये फ्री कहां से आई? उसके पेरेंट्स से या उसकी पिछली जनरेशन से उसे मिले हैं। अगर वो अटैच है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ये अटैच इसलिए है क्योंकि उसके पेरेंट्स या जो उसके जो एंसेस्टर हैं, इसके जो एंसेस्टर है उनमें से किसी की ईयर लोब जो होगी वो अटैच होगी, इसीलिए ये करेक्टर उसमें आया है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हैं यानी कि वो ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं इनको बोला जाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। चलो अब देखते हैं कि ये इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ये बात सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने उठाई थी और किस साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया था। जो जिस साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया था उस साइंटिस्ट का नाम था जी जे मेंडल। जी जे मेंडल वो साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि जो ट्रेट्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, या ये कह सकते हैं कि आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं और ह्यूमन बींग्स का जो बेबी होता है वो ह्यूमन बींग्स ही होता है, कुछ और नहीं होता। ये मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया और एक्सपेरिमेंट उसने जिस प्लांट पर किया उस प्लांट का नाम था पी मटर। पर उसने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया
कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर ट्रांसफर होते हैं। साइंटिफिक नेम हम याद रखेंगे इसका, क्योंकि एक नंबर में आ जाता है साइंटिफिक नेम, बट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। तो साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट होगा ये, साइंटिफिक नेम होगा, और आप साइंटिफिक नेम को साइंटिफिक तरीके से ही लिखेंगे। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर, 9th क्लास में आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा था कि किसी भी एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके उसका साइंटिफिक नेम होता है, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, यानी कि दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशीज। और अगर उसे हम हाथ से लिखते हैं तो उसे अंडरलाइन किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो जीनस है यानी कि जो पहला लेटर है वो हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। पहले वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा और दूसरा जो वर्ड है उसका ये छोटा होगा। यानी कि अगर मैं बायोलॉजिकली बोलूं तो जीनस का पहला लेटर बड़ा होगा, यानी कि ये जो पीसम है इसका पी बड़ा होगा, स्टीवम का एस छोटा होगा, और उसे अंडरलाइन आप करेंगे तभी आपको पूरा एक नंबर मिलेगा। इस चीज का आप खासकर ध्यान रखें, क्योंकि गलतियां यही होती हैं कि मैं तो पूरा करके आया था और फिर भी नंबर कट गया। तो दैट ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि साइंटिफिक नेम है, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और साइंटिफिक नेम दे रहे हो और अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो गलत हो सकता है, अगर मार्किंग स्कीम में ये सारी चीजें ध्यान रखने के लिए बोली गई तो। चलो देखते हैं। तो ये पी प्लांट था, तो उसने क्या किया, मेंडल ने इस पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और इस पी प्लांट से उसने कुछ करेक्टर्स को सेलेक्ट कर लिया जिन पर वो क्या कर रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था। तो वो करेक्टर्स कौन कौन से थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला करेक्टर उसने लिया प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट, पी प्लांट की हाइट पहला करेक्टर था। और उस हाइट में भी उसे दो वैरायटी देखने को मिली, एक तो थे टॉल प्लांट और दूसरे थे शॉर्ट। शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट। हाइट में भी दो तरह के प्लांट थे, एक वो प्लांट जो टॉल थे और शॉर्ट यानी कि छोटे प्लांट। तो ये हो गया आपका करेक्टर, हाइट हो गया आपका करेक्टर और टॉल और शॉर्ट हो गया ट्रेट। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट, सिंपल सी बात है। दूसरा है सीड की शेप। सीड की शेप उसने देखा, मटर में दो तरह के सीड की शेप थी, एक थे बिल्कुल राउंड और दूसरे थे रिंकल्ड। मतलब राउंड मतलब गोल और रिंकल्ड मतलब वाइटस, ये रिंकल्ड और ये राउंड। तीसरा एक और करेक्टर देख लेते हैं, वैसे उसने 7 करेक्टर सेलेक्ट किए थे, हम अगर 2, 3, 4 करेक्टर देख लेते हैं तो वो सफिशियंट है हमारे लिए। चलो तीसरा लेते हैं हम सीड का कलर। दो तरह के सीड थे, एक सीड थे कलर में येलो सीड और ग्रीन सीड, यानी कि सीड का कलर ग्रीन था और येलो था। तो दो तरह के होते, तो ये कुछ करेक्टर्स हैं, ये आप याद रखेंगे, 2, 3, 4 जितने भी आप कर पाएंगे या वो आप करेंगे, आपके एनसीईआरटी में 2, 3 या 4 दे रखे हैं, बस मोस्टली ये 3 ही दे रखे हैं। तो आप ये करेक्टर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़े, याद रखें। अब देखते हैं इन करेक्टर्स को लेकर उसने कैसे एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप में कंप्लीट किया, 3 स्टेप। कौन कौन से थे वो स्टेप, हम कौन कौन से स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप देखेंगे
तीन स्टेप होंगे। सबसे पहले सिलेक्शन किया उसने प्योर प्लांट का, दूसरा उसने हाइब्रिडाइजेशन किया, और तीसरा उसने सेल्फिंग कराई। अब एक एक करके इन स्टेप्स को हम अप्लाई करेंगे उस एक्सपेरिमेंट में। देखो यही कह सकते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले उसने क्या किया, जो प्योर प्लांट थे, प्योर प्लांट का मतलब प्योर टोल और प्योर ड्राफ्ट को उसने सेलेक्ट किया। कैसे? बार 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 टोल प्लांट लिया, और टोल प्लांट को, क्योंकि पी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि उस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हैं वो एक ही फ्लावर पर लगते हैं, तो उसने बार बार सेल्फ पोलिनेशन होनी थी। सेल्फ पोलिनेशन आप जानते हैं कि उसी के जो पोलन ग्रेन है, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर स्टिक करे, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और उसी का मतलब होता है सेल्फिंग। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उड़कर दूसरे फ्लावर पर चले गए हैं सेम स्पीसीज के, और उसी को बोला जाता है क्रॉस पोलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन। तो उसने सेल्फिंग कराई बहुत बार, यानी कि टोल प्लांट को टोल के साथ ही क्रॉस होने दिया, और जब हर जनरेशन में क्या रिजल्ट आया कि प्लांट जो है जितने भी आए वो सब टोल आए, तो वो श्योर हो गया कि जो प्लांट वो क्रॉस के लिए ले रहा है वो टोल है। सेम उसी तरह उसने ड्वार्फ को भी सेलेक्ट किया। अब उसने सेलेक्शन करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन किया, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन किया। क्रॉस पोलिनेशन में उसने क्या किया, जो टोल प्लांट का पोलन ग्रेन था वो ड्वार्फ की स्टिग्मा पर स्टिक कर दिया, या वाइस वर्सा, मीन कि इसका पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर स्टिक करा दिया। ये उसने करा कर देखा, क्रॉस पोलिनेशन कराया। क्रॉस पोलिनेशन कराने के बाद ऑब्वियस सी बात है, आप अगर रिप्रोडक्शन आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहां पर आपके लिए ये क्रॉस बड़ा सिंपल हो जाता है। आप जानते हैं पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर स्टिक करेंगे, एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो, देन ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड, और सीड में क्या होगा आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होगा, यानी कि उस सीड को, इन दोनों को क्रॉस कराने से हमें क्या मिलेंगे, सीड मिलेंगे। उस सीड को क्या किया जाएगा, जर्मिनेट किया जाएगा। उसको जर्मिनेट करोगे तभी तो पता चलेगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जिसको हम F1 जनरेशन बोलेंगे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलेंगे। फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलेंगे, यानी कि F1 जनरेशन में, तभी तो पता चलेगा कि F1 जनरेशन में इन दोनों को क्रॉस कराने से प्लांट टोल आएगा या ड्वार्फ आएगा। मेंडल ने सोचा था कि अगर मैं टोल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा रहा हूं तो रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है, उसने सोचा था कि टोल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराऊंगा, और क्रॉस कराने के बाद सीड आएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है सीड आएंगे, उन सीड को जर्मिनेट करके मुझे प्लांट मिलेगा, तो वो प्लांट इंटरमीडिएट होगा, यानी कि इसके और इसके बीच का होगा। लेकिन वो शौक हो रह गया ये देखकर कि जो F1 जनरेशन है उसमें प्लांट जितने भी आए सब टोल, ऑल प्लांट टोल इन F1 जनरेशन। क्रॉस पोलिनेशन के बाद, यानी कि टोल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराने के बाद, जब उसने सीड लिए, यानी कि इनसे सीड आए, जितने भी सीड आए सबको जर्मिनेट करा दिया, सबको जर्मिनेट कराया, और रिजल्ट देखा कि प्लांट ड्वार्फ आएगा या शॉर्ट आएगा, यानी कि टोल आएगा, सॉरी टोल आएगा या शॉर्ट आएगा या ड्वार्फ आएगा। तो उसने देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए वो सब कैसे थे, टोल थे। अब उसने क्या किया, अब यहां से देखे करेक्टर इनहेरिटेड हो गया। हम क्या पढ़ रहे थे, इनहेरिटेड ट्रेड्स, वहां पर एक इनहेरिटेड ट्रेड्स आया था, इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था। अब देखो कहां से इनहेरिटेड हुआ, टोल ड्वार्फ। अब टोल एक टोलनेस एक क्या हो गया आपका ट्रेड, अब वो ट्रेड फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में गया। हम यही पढ़ रहे थे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या ये कह सकते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब ये दोनों पेरेंट है, ये इनका ऑफस्प्रिंग है, अब इस ऑफस्प्रिंग में टोलनेस का करैक्टर इनहेरिटेड हुआ है, तो कहां से हुआ, यहां से हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, टोल F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए वो टोल आए, यानी कि
यहां से पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में करेक्टर ट्रांसफर हो गया, इनहेरिटेड हो गया। चलो अब उसने क्या किया, उसने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन से तो जितने भी प्लांट आए वो सब टॉल आए, तो ड्वार्फ कहाँ गया, यानी कि शॉर्टनेस का जो करेक्टर था वो कहाँ गया। उसने क्या किया, इस F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए, जितने भी आए यानी कि टॉल प्लांट थे, उन टॉल प्लांट, मैंने अब बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर था, उनकी सेल्फ पोलिनेशन करा दी, सेल्फ पोलिनेशन कराई, यानी जिसको हमने क्या कहा, सेल्फिंग, सेल्फ पोलिनेशन कराई। तो देखो क्या हुआ, टोल आए थे, टोल को टोल के साथ ही उसने क्रॉस होने दिया, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन कराई। सेल्फ पोलिनेशन कराने के बाद ऑब्वियस सी बात है, यहां से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें क्या मिलेंगे, सीड मिले। उसने सीड को, जितने भी सीड आए सबको जर्मिनेट करा दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो उनको क्रॉस कराया, उसके पास आए 100 सीड, उन 100 सीड को उसने जर्मिनेट कराया, और जर्मिनेट कराने के बाद उसने देखा कि जो 75 प्लांट है, 100 सीड जर्मिनेट कराए थे, तो जर्मिनेट कराने के बाद जो 75 प्लांट थे वो टोल आए, और जो 25 थे वो क्या आए, शॉर्ट आए। अगर रेशियो निकाले तो रेशियो क्या बन गई, 3:1। रेशियो क्या बनी, 3:1, यानी कि 3 3 प्लांट टोल और 1 प्लांट डुआर, ये आई रेशियो। अब यहां पर उसने एक चीज नोटिस की कि टोल और डुआर्फ को उसने क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में सारे टोल आए थे यानी कि ड्वार्फ नहीं आया था। जब उसने इसकी सेल्फिंग होने दी तो उसने क्या देखा, जो नेक्स्ट जनरेशन जिसका नाम दिया गया F2 जनरेशन, उस F2 जनरेशन में टोल प्लांट भी मिला उसे और शॉर्ट प्लांट भी मिला। और यहां से उसने एक कंक्लूजन निकाला, इन सब एक्सपेरिमेंट से उसने एक कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन ये था कि इन करेक्टर के ट्रांसफर होने के पीछे क्या है, एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर, वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और वो फैक्टर भी किस में पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से दो बातें, या ये कह सकते हैं दो कंक्लूजन निकाले, और पहला कंक्लूजन था कि उन करेक्टर के यानी कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स थे उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन, फैक्टर, जिसे आज हम किसके नाम से जानते हैं, जिसे आज हम जानते हैं जीन के नाम से। दूसरा उसने कहा कि ये फैक्टर किस में प्रेजेंट है, पेयर में, यानी कि जीन किस में प्रेजेंट होती है, पेयर में, अकॉर्डिंग टू मेंडल ये कहा गया था। और आगे चलकर जब और स्टडी हुई तो पता चला कि भाई मेंडल का जो फैक्टर है वो जीन है, और हमने जब और स्टडी किया तो पता चला कि मेंडल ने कहा था फैक्टर किस में प्रेजेंट है, पेयर में। तो हम आज देखते हैं कि हाँ जीन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, पेयर में ही प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, इस बात पर आप गौर करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान से सुनना आप, यहां पर थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये था मेल और ये था फीमेल, या आप ये कह सकते हो ये हो गया फादर और ये हो गई मदर। इससे क्या बनते हैं, गैमेट्स, और गैमेट्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, किस फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो यहां पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में, ये हमने पहले भी बात की थी। सेम आ जाओ, गैमेट्स में क्या प्रेजेंट, डीएनए प्रेजेंट। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है या ब्लूप्रिंट है बॉडी डिजाइन का, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सेल में,
क्रोमोसोम की फॉर्म में, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में। अब आधा यानी कि इस पेयर में से जो एक जीन है दूसरी, उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, ये जीन कहाँ है? ये जीन इस क्रोमोसोम पर है, या ये कह सकते हैं मैं कहूं कि डीएनए पर है। जीन, जीन की डेफिनेशन सुने पहले, ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो वो जीन कहाँ है? डीएनए पर है। डीएनए से क्या बना है? क्रोमोसोम। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जीन कहाँ है? क्रोमोसोम पर। अब ऑब्वियस सी बात है, उस पेयर का जो एक है वो कहाँ है? मेल से आया है, किसमें? ऑफस्प्रिंग में, और दूसरा फीमेल से, और यहां आकर क्या हो गई? पेयरिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करैक्टर है वो फादर से भी आया है और मदर से भी आया है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं। चलो आप इसको देखें पहले एक बार, क्या कहा मैंने? टॉल और ड्वार्फ, ये कहा। अब देखो मैंने क्या कहा, फादर, फॉर एग्जांपल ये मेल, हम इसका मेल पार्ट ले लेते हैं, ड्वार्फ, इसका ले लेते हैं फीमेल पार्ट, यानी कि ये फीमेल ये मेल, इसका पोलन ग्रेन, इसकी स्टिग्मा लिया। हमने क्या कहा, क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। वो गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? आधा होगा, हम जानते हैं, हमने रिप्रोडक्शन में ये चीज पढ़ी है। चलो तो इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे, देखो हम क्या करें कि जो ये करैक्टर है, टोनेस का करैक्टर है, मेंडल के अकॉर्डिंगली क्या कहा था उसने कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उस फैक्टर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं अल्फाबेटिकली। तो टोनेस के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा हमारा, हमने अल्फाबेटिकली उसको, उस फैक्टर को क्या कर लिया, या उस जीन को हमने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, किससे? टी से। दूसरी बात क्या कही थी, पेयर में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस ही बात आप यही लिखोगे, क्योंकि उसने कहा था फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उस फैक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल टी से, यानी कि उस जीन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया टी से, और उसने क्या कहा था कि पेयर में प्रेजेंट है, तो ये लो पेयर बना दिया। आ जाओ सेम चीज, उसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे? उसने स्मॉल टी से। वो टी से भी कर सकता था, इसके पीछे उसने सिर्फ रीजन यही दिया कि अगर एक करेक्टर के लिए वो दो अल्फाबेट्स लेता है तो उनको याद करने में, आगे चलकर क्रॉस करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए उसने अल्फाबेट्स के कैपिटल और स्मॉल दोनों को यूटिलाइज कर लिया। बड़ा प्लांट था तो कैपिटल ले लिया और छोटा था तो स्मॉल ले लिया, ये उसने क्या कर लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया। अब उसने क्या बनाया, गैमेट्स। ऑब्वियस सी बात है गैमेट्स ही बनते हैं, ये तो एक डिप्लॉइड सेल में था इनका नंबर। अब ये गैमेट्स बनाएंगे, यानी कि मेल पार्ट से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, और फीमेल से क्या बनेगा, एग बनेगा। चलो बनाओ, देखो उसने क्या किया, गैमेट्स, और हम जानते हैं कि गैमेट्स जब बनते हैं तो एक डिप्लोइड सेल में मियोसिस हो जाती है, और जो ये पेयर में जो अलील थी ये क्या हो जाती है, अलग अलग, एक गैमेट में सिर्फ एक ही जाती है, यानी कि एक गैमेट में ये टी आ गया और दूसरे गैमेट में ये टी आ गया। ऑब्वियस सी बात है आधा उधा हो जाता है क्योंकि मियोसिस हो गई है। चलो नेक्स्ट, स्मॉल टी सेम गैमेट से ही बनेंगे, ये बना दिए हमने गैमेट्स। क्या है ये हमारे, ये क्या है, फैक्टर्स, यानी कि हमारा जीन जो कहाँ था, डीएनए पर था, डीएनए से क्या बन रहा था, क्रोमोसोम। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये कहां पर है, ये जो आपका करेक्टर ये कहां प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। चलो अब देखो उसने क्या किया, इनको क्रॉस कराया कि कोई भी गैमेट किसी भी दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है। चलो करते हैं, इसको इसके साथ फ्यूज करो, ये रिजल्ट आया, इसको इसके साथ फ्यूज करो, ये रिजल्ट आया, अब इसको इसके साथ फ्यूज करो, ये रिजल्ट आया, इसको इसके साथ फ्यूज करो, ये रिजल्ट आया। अगर आप ध्यान से देखो तो सबको, अगर आप ध्यान से देखोगे तो F1 जनरेशन में आपका जो रिजल्ट आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और प्लांट कैसा आया था, टोल आया था, टोल आया। अब देखो क्या हुआ, अब यहां पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि पेयर में था तो
एक जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं जीन का, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। ये हमारी जीन थी जो पेयर में प्रेजेंट थी, और जो पेयर में जीन प्रेजेंट हो तो उसकी दो क्या होती हैं, अलील होती है। अब ध्यान से देखें, एक अलील इस ऑफस्प्रिंग में कहां से आई, मेल से आई, और दूसरी अलील किससे आई, फीमेल से आई, हो गया पेयर में प्रेजेंट। तो यहां पर दोनों से अलील आई है, यानी कि दोनों के करेक्टरिस्टिक आए हैं, लेकिन एक्सप्रेस किसके किए हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये देखें कि करेक्टर टोलनेस का एक्सप्रेस हुआ है डवार्फनेस का, अलील दोनों की मिली है, लेकिन एक्सप्रेस किसकी की, टोल की। तो यहां से मेंडल ने क्या कहा, अलील जो होती हैं या जीन जो होती हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव होती है। व्हाट इज द मीन ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, चलो इसको ऐसे समझते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव प्लांट कैसा है, ये टोल F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए, टोल आए, और उनमें जो जीन देखने को मिली वो कैसे मिली, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और प्लांट कैसा था, टोल। तो यहां पर इसका मतलब जो एक्सप्रेस करता है, मेंडल ने कहा जो एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो रिसेसिव। को दो अलील हुई तो एक अलील डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब विच अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड सुप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर, अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया और इसके एक्सप्रेशन को रोक दिया है, और रिसेसिव यानी कि जो डोमिनेंट के एक्सप्रेशन से अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए वो कहलाता है रिसेसिव। तो यहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव अलील आ गई। अब यहां पर एक चीज और भी आती है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। चलो देखो क्या है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है यहां पर आपको प्लांट अगर आप बाहर से देखोगे तो प्लांट कैसा है, टोल टोल। अब ये प्लांट भी टोल है और ये प्लांट भी टोल है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्लांट भी टोल है और ये भी टोल है। हमने क्या पढ़ा था, किस किस को क्रॉस कराया था इनिशियली, इसको और इसको, तो इसका मतलब टोलनेस के लिए ये भी होगा, ये पॉसिबिलिटी भी है, और हमने अभी देखा F1 जनरेशन में कि टोलनेस के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। अब आप इस टोल, अगर आपको एक पी का टोल प्लांट दिखा दिया जाए तो क्या आप उसको बता सकते हो कि ये प्लांट में ये जीन है या ये जीन है। तो मॉर्फोलॉजिकली जब हम प्लांट को देखते हैं और मॉर्फोलॉजिकली उसको बताएं तो वो कहलाता है फिनोटाइप। मॉर्फोलॉजिकली जब प्लांट को एग्जाम करते हैं तो वो कैसा है, टोल है, तो वो मॉर्फोलॉजिकली फिनोटाइप होगा, और अगर जीन के बेसिस पर अगर उसको हम देखें तो वो हो जाएगा जीनोटाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट, ये टोल है, हाइब्रिड टोल बोलते हैं इसको, क्योंकि दो अलग अलग अलील हो गई है तो इसलिए ये हो गया आपका हाइब्रिड टोल। और अगर ये ऐसा होता तो क्या हो जाता, प्योर टोल। देखो इसका इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, देखो अभी हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, सारे प्लांट ये मिले, टोल मिले। मेंडल ने क्या कराया था, सेल्फिंग। चलो पहले हमने फिनोटिपिकली क्रॉस कराया था, जीनोटिपिकली क्रॉस करा रहे, सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन कंफ्यूज वाली कोई भी बात नहीं है। पहले फिनोटिपिक चल रहा था यानी कि टोल था, ड्वार्फ था, हमें नजर आ रहा था, अब हम जीन के बेसिस पर उसका क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। गैमेट्स बना, ये गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनाओ। तो एक साइंटिस्ट था उसका नाम था पुन्नेट, उस पुन्नेट ने इस क्रॉस को सिंपल बनाने के लिए उसने क्या किया, स्क्वायर स्क्वायर बना दिया, उसका नाम दिया पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर में उसने क्या कर दिया, जितने भी एक प्लांट पे जितने गैमेट प्रोड्यूस किए, जितने
जितने भी टाइप के, तो दो टाइप के प्रोड्यूस किए उसने, उठाकर यहां रख दिए और इसके उठाकर यहां रख दिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। चलो देखो इसको इसके साथ, यानी कि ये गैमीट इसके साथ अगर फ्यूज करता है तो ये रिजल्ट आएगा, अगर ये इसके साथ फ्यूज करता है तो ये रिजल्ट आएगा, ये इसके साथ करता है तो ये रिजल्ट आएगा, और अगर ये इसके साथ करता है तो ये रिजल्ट आएगा। आपको याद अगर हो जो हम पढ़ा अभी हमने थोड़ी देर पहले, क्या रेशियो आई थी एफ टू की, 3:1, तीन प्लांट कैसे थे टोल और एक कैसा था ड्वार्फ, क्या आप इसे देखकर बता सकते हो जीनोटाइप है अब तो आपके सामने, अब तो आप बता ही सकते हो कि जीनोटाइप और फिनोटिपिकली आपको प्लांट टोल और ड्वार्फ कितने नजर आ रहे हैं। चलो चलो देखते हैं, बनाते हैं फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटिपिक रेशियो में अगर आप देखें तो ये भी टोल है और ये भी टोल है, ड्यू टू डोमिनेंस, डोमिनेंस की वजह से ये भी टोल होगा। तो कितने हैं यहां पर टोल प्लांट, एक दो और तीन, तीन प्लांट टोल हो गए और ड्वार्फ कितने हो गए सिर्फ ये, जिसमें स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि जिसमें। अब यहां से आप एक चीज और नोटिस करें, अगर एक कैपिटल टी आ रहा है यानी कि टोलनेस की एक सिंगल एलील भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है जिसकी वजह से ये प्लांट टोल हो गया, और जिसमें कैपिटल नहीं आया यानी कि जिसमें डोमिनेंट एलील नहीं आई, दोनों रिसेसिव एलील है, वो प्लांट कैसा होगा आपका ड्वार्फ होगा, सिंपल सी बात है। जीनोटाइप देख लेते हैं, एक कैपिटल टी एक है यानी कि आपका प्योर टोल। चलो दो ऐसे हैं हाइब्रिड टोल और आपका एक ये है यानी कि आपका रिसेसिव, तो जीनोटिपिक रेशियो हो गई आपकी 1:2:1, 1 प्योर टोल, 2 हाइब्रिड टोल और 1 आपका ड्वार्फ। ये है आपकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, और क्योंकि उसने एक करेक्टर को लेकर क्रॉस कराया था इसीलिए ये बन जाता है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक्सपेरिमेंट से उसने ये बताया कि करेक्टर जो है वो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ये था आपका एक एक्सपेरिमेंट, अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे सारी चीजें समझ आ जाएगी। थैंक यू।